Learn easy and smart in the dictation. Start. Janhit yachika par sunaya faisla ki talk tippani shikshit ki hi sunwai nahi aam jan ki to kalpana bhi nahi kar sakte. कोर्ट कोटा स्थाई लोक अदालत ने बुधवार को एक जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की. टिप्पणी में कहा कि शिक्षित व्यक्ति की शिकायत पर यदि कार्यवाही नहीं की जाती तो आम नागरिक जो अशिक्षित व गरीब होता है उसकी सुनवाई संबंधित विभाग में होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती. अदालत ने यह टिप्पणी न्यू जवाहर नगर निवासी एडवोकेट योगेश गुप्ता की ओर से पेश जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए कि गुप्ता ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नयापुरा के अधिशासी अभियंता इटावा के अधीक्षक अभियंता व सहायक अभियंता के खिलाफ याचिका पेश की थी. इसमें कहा था कि उन्होंने खातोली स्थित अपने मकान पर बिजली कनेक्शन ले रखा था लेकिन कोटा रहने के कारण उन्होंने गांव के मकान के बिल की बकाया राशि जमा करवाकर 17 नवंबर 2016 को कनेक्शन कटवा लिया. इसके बाद भी दिसंबर का 6800 रुपये का बिल जारी कर दिया गया. इस संबंध में वे इटावा स्थित विभाग के कार्यालय गए तो वहां उनसे दोबारा बिल नहीं आने की बात कही. इसके बाद भी फरवरी अप्रैल वह जून 2017 का बिल जारी कर दिया गया. इसे ठीक करवाने में परिवादी को बार बार विभाग के
चक्कर लगाने से परेशानी व मानसिक संताप हुआ। याचिका में कहा कि सभी बिलों की राशि निरस्त करवाने के अलावा उन्हें 5,000 रुपये मानसिक संताप भी दिलाया जाए। इस पर अदालत की ओर से जारी नोटिस के जवाब में बिजली विभाग ने कहा कि कनेक्शन कटने के बाद भी परिवादी ने खंभे से सीधे आंकड़े डालकर अवैध कनेक्शन ले रखा है, जिससे उनके उपयोग के बिल भेजे जा रहे हैं। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष कैलाश चंद मीना, सदस्य अजय पारिक व डॉक्टर अरुण शर्मा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश में कहा कि एक जागरूक व्यक्ति जो व्यवसाय से अभिभाषक है, उसके द्वारा बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों के यहाँ जाकर निवेदन करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई और कनेक्शन कटने के बाद भी बार बार बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग के अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। वेतन काटकर करो क्षतिपूर्ति, अदालत ने कहा कि परिवादी के 17 नवंबर 2016 के बाद जारी सभी बिलों की राशि वसूल नहीं करेंगे। साथ ही परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति मानसिक संताप की राशि 5,000 रुपये तत्कालीन सहायक अभियंता इटावा के वेतन से काट कर दी जाए। कलेक्टर व कंपनी के सीईओ को नोटिस अदालत पहुंचा। स्मार्ट मीटर
लगाने का मामला। कोटा शहर में निजी बिजली कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं के घरों पर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का मामला अदालत पहुंच गया। 5 वकीलों की ओर से पेश जनहित याचिका पर अदालत ने मंगलवार को जिला कलेक्टर व बिजली कंपनी के सीओ को नोटिस जारी कर 8 दिसंबर को जवाब देने को कहा है। स्टॉप। धन्यवाद।